हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं मरवा करेले की सब्जी। करेले हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं, खासतौर पर डायबिटीज़ वालों के लिए, तो हमें करेले ज़रूर खाने चाहिए। करेले की सब्जी दो तीन तरीके से बनाई जाती है, आज मैं आपको मरवा करेले की रेसिपी बता रही हूँ। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं मरवा करेले। मरवा करेले बनाने के लिए मैंने ये पाव भर करेले लिए हैं। इनको पहले मैंने अच्छे से धो लिया था, फिर मैंने इनको छीला है, बहुत ज़्यादा नहीं छीला है, देखिए इस तरह से बहुत ही कम कम छीला है। उसके बाद में मैंने इनको मुश्किल से 10 या 15 मिनट के लिए नमक के पानी में डाल दिया था, और फिर उसके बाद में खूब अच्छे से इनको वापस धोया है, और फिर इनको बिल्कुल सुखा लिया। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ा है, इस तरह से आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल इसमें पानी नहीं है, और इनको इस तरह से बिल्कुल सुखा लिया है। ये मैं इसमें आलू डालती हूँ, तो ये मैंने 2 आलू छील के ले लिए हैं। ये साबुत हरी मिर्च हैं, ये करेलों के छिलके हैं, ये एक प्याज है, यदि आप प्याज नहीं डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, और ये कैरी है जो कि मैंने इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है, और ये मसाले हैं, नमक है, हल्दी है, धनिया है, मिर्च है, और ये क्रश की हुई सौंफ है, और ये जीरा है। अब हम सबसे पहले इन मसालों को भूनेंगे। हमने गैस पे कढ़ाई को रख दिया है, इसमें 2 टेबल स्पून तेल लिया है, और ये तेल भी मेरा गरम हो गया है, इसको हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। और इसमें मैं सबसे पहले सौंफ डाल रही हूँ, ये 1/2 टेबल स्पून है, अब इसमें प्याज है, प्याज आप नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डालें। अब ये करेले के छिलके हैं, इनको भी मैंने थोड़ा सा नमक के पानी में डाल दिया था। इसमें करेले के बीज भी हैं, क्योंकि हमने जो करेले धोए थे अच्छे से, तो ऊपर अंदर से जो बीज निकलते हैं, तो जो बहुत ज़्यादा पके हुए थे वो तो मैंने फेंक दिए, तो थोड़े सॉफ्ट थे वो इसमें मैंने मिला दिए हैं। अब इसमें हम ये कैरी भी डाल देंगे, कैरी डालने से बहुत ही टेस्टी बनते हैं, और इनका कड़वापन भी इतना नहीं लगता है। अब इसको हम सिम पे करके थोड़ा सा इसको ढक देंगे, जिससे कैरी और ये सब चीज़ें हमारी बिल्कुल अच्छे से गल जाएं। उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। देखिए हमारा मसाला, कैरी वगैरह सब पक गई है अच्छे से। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, ये 1/2 टेबल स्पून नमक है, नमक, मिर्ची, मसाले सब आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने नमक पहले उसमें इनको जब भिगोया था तब भी डाल दिया था, और बाद में भी डलेगा, इसलिए इस मसाले में मैंने थोड़ा कम ही डाला है। ये 1 पिंच हींग है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी है, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1.5 चम्मच करीब लाल मिर्च पाउडर है, कि हमारा मसाला भुन गया अच्छे से। अब हम इसको ठंडा करके करेलों में भरेंगे,
अब हम गैस को बंद कर देंगे क्योंकि और ये थोड़ा बहुत मसाला बाद में भी जब हम इसको छौंकेंगे तब उसके साथ भी भुन जाएगा। अब हम इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। अब हमारा मसाला ठंडा हो रहा है तब तक हम ये करेले फ्राई कर लेते हैं। और हमने तेल रख दिया है कढ़ाई में, ये 4 टेबल स्पून के करीब तेल है। अब इसमें मैं ये 1/2 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ और अब ये करेलों को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इससे ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं। मैं आपको ये बता रही हूँ, ये बिल्कुल तुरंत बनाने वाले करेले हैं। आप जल्दी, जैसे मान लो शाम को आपको एकदम से इच्छा हो गई है कि करेले बनाने हैं, तो आप इस तरह से जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसकी देर बस इन पर सिर्फ नमक लगा के या नमक के पानी में डाल के रख दें और तुरंत इनको बना लें, तो ये इस तरह से बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। और यदि आप इस तरह से फ्राई करना नहीं चाहते हैं तो आप फिर इनमें 2-2.5 घंटे तक कम से कम नमक लगा के रखें, उसके बाद ही इनको इनको बहुत ज़्यादा ऐसे फ्राई नहीं करना है, हल्के से ही फ्राई कर लें। और इनको इस तरह से सबको निकाल के अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून जीरा डाला है अब हमने। और अब ये हम करेलों, ये सॉरी आलूओं को फ्राई करेंगे। करेलों में इस तरह से ये आलू फ्राई करके डालने पे भी ये आलू भी बहुत टेस्टी लगते हैं और करेले भी बहुत ही अच्छे लगते हैं और बच्चे भी पसंद करते हैं। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो ये करेले बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब हम इनको अच्छे से फ्राई करेंगे और ये फ्राई होंगे जब तक हमारे करेले ठंडे हो जाएंगे और इसमें फिर हम ये मसाला भरेंगे। ये देखिए हमारे करेले भी ठंडे हो गए हैं और मसाला भी ठंडा हो गया है। अब हम इसके अंदर ये मसाले को अच्छे से भरेंगे। इस तरह से तरह से हम सारों को भर लेंगे और फिर हम अपने आलूओं को चेक करेंगे कि हमारे आलू भुन गए हैं क्या। देखिए हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसके अंदर करेले डाल देंगे। अब हम इनको तब तक पकाएंगे जब तक ये गल नहीं जाते और भुन नहीं जाते। थोड़ी थोड़ी देर में हम पलट के इनको बिल्कुल सिम पे गैस को करके और अब हम इनको ढक के रख देंगे। अब हम इसे चेक करेंगे। अभी अभी हमारे अच्छे से भुने नहीं है।
थोड़ी देर ढक के रखेंगे। और हम जो मिर्ची है ली थी हमने, उनमें भी मसाला भरेंगे। मिर्चियों में भी हमने थोड़ा सा चीरा लगा लिया था, और अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा इसमें भी मसाला भर देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही हल्का हल्का। और मिर्चों को अब हम डालेंगे, क्योंकि मिर्ची शुरू में डालने पे मिर्ची बिल्कुल ही गल जाती। इस तरह से अब इसमें हम ये मिर्ची और ये बचा हुआ मसाला भी डाल देंगे। और अब हम इनको वापस से पकने देंगे। हम चेक करेंगे, ये देखिए हमारी सब्जी हो गई है। आलू भी सीख गए हैं और ये करेले भी। अब हम इसको थोड़ी सी गैस को तेज करके और इसको हल्का सा भूनेंगे। इस तरह से ये बनाने में आलू भी ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से भुन जाते हैं और ये टेस्टी भी बहुत ही लगते हैं। और यदि आप ये करेलों को फ्राई करके नहीं बनाना चाहते हैं, तो पहले थोड़ी 2-2.5 घंटे के लिए नमक ज़रूर लगा के रखें और फिर विदाउट फ्राई करें ही इनको इस तरह से बनाएं। देखिए अब हमारे करेले बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इन्हें सर्व करेंगे। मैंने गैस बंद कर दी है और अब हम इनको थोड़ी देर ढक के छोड़ देंगे और फिर सर्व करेंगे। हमारी बहुत ही स्वादिष्ट भरमा करेले की सब्जी बनकर तैयार है। हमने इसे सर्व भी कर दिया है। आप इसे वैसे तो किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, पूड़ी के साथ खाइए, लेकिन मिस्सी रोटी के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप इसके साथ मिस्सा पराठा और कैरी की छाछ के साथ खाइए तो इसका स्वाद और भी दुगना हो जाएगा। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही हम लौटेंगे नई रेसिपी के साथ।